कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर, ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से। इस एक्सरसाइज के बाकी सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैंने यहाँ ऊपर आई बटन पर दे रखे हैं, इन आई बटन पर आप क्लिक करके इन सभी सवालों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में दिया घनों को परिकलित किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान बताइए। इस प्रश्न के हमें दो भाग दिए, पहला भाग हमें दिया है -12^3 +7^3 +5^3, इसका हमें मान बताना है, लेकिन हमें यहाँ पर घनों का परिकलन नहीं करना है, अर्थात हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ घात तीन है तो ऐसे नहीं लिखेंगे -12 × -12 × -12, ठीक है, फिर उसको गुणा करके लिख लें, फिर 7 × 7 × 7, फिर उसे गुणा करके लिख लें 5 × 5 × 5, इस टाइप से हमें नहीं करना है, बल्कि हमें किसी अदर वे में करना है। तो आप एक बात तो जानते ही हैं कि अगर तीन संख्या हमें दे रखी हैं, ठीक है, और उनको अगर हम आपस में जोड़ें, उनका आंसर हमें 0 मिल जाए, तो उनके घनों का आंसर क्या होता है? उनके घनों का आंसर होता है उन तीनों की गुणा का 3 गुना। चलिए मैं यहाँ लिखकर बताता हूँ आपको। हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी तीन कोई संख्या दे रखी हो, उनको जोड़ने पर अगर आपको 0 प्राप्त हो, ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का घन जो होता है, घन का योग, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होता है 3 × a × b × c, यानी तीनों संख्याओं का गुणा का 3 गुना, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना -12 a है, 7 b है और 5 हमारा c है, तब क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a हमारा -12 प्लस बी 7 और प्लस सी हमारा 5, तो ये माइनस की संख्या, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ये दोनों प्लस की हैं तो ये आपस में जुड़े जाएंगी, 7 × 5 हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, तो हमें मिल जाएगा 0। तो हमें यहाँ a प्लस बी प्लस सी करने पर क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। अगर हमें a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 मिले तो इनका क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ABC, ठीक है। a हमारा क्या है, -12 है, तो -12³ प्लस बी हमारा 7, तो 7³ प्लस सी हमारा 5, तो 5³ बराबर क्या होगा, 3 × -12 यानी a इंटू बी यानी 7 इंटू सी यानी 5, ठीक है। अगर हम इन चारों की गुणा कर लेंगे तो अब हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा, तो 12 × 5 = 60, माइनस का 60 आ जाएगा, और -60 × 7 -420, और -420 × 3 कितना हो जाएगा, -420 × 3, तो यहाँ 0 × 3 = 6 और 3 × 4 = 12, -1260, ये हो जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पर घनों का परिकलन किए बिना ही यहाँ आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट हमें दिया है 28³ प्लस में -³ और प्लस में -13³, क्या करना है हमें, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना, देखिए ये चीज़ तो आपको लिखनी पड़ेगी इस सवाल में भी, अगर ये अलग से आ जाता है, ठीक है, तो मैं ये नहीं लिखता हूँ, सीधे सीधे लिखता हूँ। माना 28 = हमारा a है, -15 = b है और -13 = c है, तब तीनों का योग क्या होना चाहिए, 0, a प्लस बी प्लस सी, तो a 28 प्लस बी है हमारा -15 प्लस सी है हमारा -13, ठीक है, जोड़ लेते हैं ना, देखिए 28 का 28 हो जाएगा, ये ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस -15, फिर ये ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस -13, ये प्लस की संख्या है, इसको ऐसे उतार लो, ये दोनों माइनस की संख्या हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, 15 और 13 हो जाएगा 28, और माइनस दे रखा तो -28, ये प्लस का 28 ये -28, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, बराबर में 0, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या गया, 0, तो इसका मतलब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3ABC, ठीक है, क्या होगा, 3ABC, तो a क्यूब हमारा होगा 28³ प्लस बी क्यूब होगा हमारा -15³ और सी क्यूब होगा हमारा -13³ बराबर 3 × a
गुणा बी यानी माइनस 15 गुणा सी यानी माइनस 13। ठीक है, अब इन सब की गुणा करने पर हमें मिलेगा प्लस का 16380। ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सभी संख्याएं प्लस की हैं तो यहाँ पर हमें प्लस का 16380 मिल जाएगा। ये हो जाएंगे आपके आंसर। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।